Yeah, we are learning accounting for non-current liabilities, and now the important point that we'll be discussing in this module is measurement of these non-current liabilities. You know very well that okay, when we say measurement, measurement means to give value to the information. Okay, so this measurement we give at the time of recognizing that information in this module. Like we are obviously discussing about the non. ंट लाइबिलिटीजी okay, तो को वेन वी आर रेक एज ए लाइबिलिटी मैजर करेंगे तो दिस इज नोन एज इनिशियल मैजरमेंट एंड देन सी उसको इनिशियल मैयर करने के बाद अब हर रिपोर्टिंग डेट पर कैसे मैयर करेंगे दैट इज नोन एज सब्सिक्वेंट मैरमेंट ओके तो ये मेजरमेंट वाली बात जहन में रख लीजिएगा इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है वेल well, तो अब यू है कि वी हैव इनफैक्ट टेकन अ लोन ओके हमने एक लोन लिया बैंक से सपोजली पांच साल के लिए उस पर ऑब्वियसली एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है pay, और पांच साल के बाद हमने उसकी एक अमाउंट वापस लौटानी है इस नैरियो को इनिशियली कैसे मेजर करेंगे ओके okay. ये तो एक बड़ा सादा सा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करके भी देखेंगे बाद सूरतों में ऐसा होता है लोन लिया आपने नॉन कैश किसी एसेट की शक्ल में एक आपने कोई सपोजली प्लॉट ऑफ लैंड आपने एक्वायर कर लिया और कहा कि जी इसके पैसे मैं आपको नहीं दे रहा ये लोन के तौर पर है मेरे पास और इसकी मैं पेमेंट आपसे आपको करूंगा आज से दस साल के बाद ओके okay. तो अब उसको हमने किस अमाउंट पर मैयर करना है ज ए लाइबिलिटी ओके इसी तरह से कोई भी आपकी लीज लाइबिलिटीज हैं जो कि आपकी पाँच साल के बाद पेमेंट करनी है या आपने हर साल कुछ कुछ पेमेंट करनी है और पाँच साल के बाद उसने एक्सटिंग्विश हो जाना है खत्म हो जाना है तो ये ये वो तमाम लाइबिलिटीज हैं जो नॉन करंट लाइबिलिटीज के तौर पे आप रिकोगनाइज करेंगे तो इनिशियली मैयर किस अमाउंट पे करेंगे इस पर हमें गाइडलाइन ये मिलती है कि इनिशियली हम जब मैयर करते हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव पे मैयर करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड अब जैसे मैंने प्लॉट ऑफ लैंड की बात की थी इफ यू आर रिसीविंग प्लॉट ऑफ लैंड एज ए कंसिडरेशन अगेंस्ट दिस लाएबिलिटी तो जो उसकी फेयर वैल्यू होगी वो आपकी लाइबिलिटी में क्रेडिट होगी ऑट द पॉइंट वेल अच्छा अब इसके अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है सबसिक्वेंटली हमने इसको फेयर वैल्यू पे रीमर करना होता है अगर तो फेयर वैल्यू पे रीमर कर रहे हैं तब ये जो सेकंड बुलेट है वो तो हमें समझना नहीं है ताकि वो काम नहीं आएगा फिर उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू पर मैर नहीं करना उसको अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमोरटाइज कॉस्ट मैथड तो हमने फिर उसको एमोरटाइज कॉस्ट मैथड पर मेजर करना होता है ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो उस फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिड्रेशन में से माइनस हो जाएगी सादा बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स बात नहीं करते चीज़ों को सादा रखने ज़्यादा ईजी है आपने वन मिलियन दस लाख रुपया कर्जा लिया मैं उसकी फेयर वैल्यू वाली बात से भी बाहर आ जाता हूँ क्योंकि अब आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट समझानी है आपने वन मिलियन के बॉन्ड्स इशू किए वन मिलियन आपके पास दस लाख रुपया कर्जा आ गया अब वो बॉन्ड्स इशू करने के लिए आपने एक ब्रोकर को सपोजली एक लाख रुपया कमीशन के तौर पे दिया सपोजली आसान रखते हैं बात तो आपको नेट क्या रिसीव हो रहा है नौ लाख रुपए नाइन हंड्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड थाउजेंड आपने ब्रोकर को कमीशन दे दी है तो कहने को तो आपने वन मिलियन का कर्जा लिया आपकी बॉन्ड आपकी लाइबिलिटी तो वन मिलियन की है लेकिन जो आपको इनफ्लो हो रहा है कैश वो नाइन हंड्रेड थाउजेंड का हो रहा है अब याद रखिएगा आपने पांच या दस साल के बाद जब इसको वापस करना है इसके पैसे तो आपको पूरे दस लाख ही वापस करने पड़ेंगे अलॉन्ग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनुअली आप दे रहे होंगे द पॉइंट तो इस तरह से इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर आप फेयर वैल्यू पर नहीं मैयर कर रहे होंगे तो आप इसको माइनस कर देंगे ट्रांजेक्शन कास्ट को वेल well, अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट मयरमेंट सब्सिक्वेंट मयरमेंट में अब दो फॉर्मुला आप जेन में रखेंगे या दो मैथड्स जेन में रखेंगे one is amortized cost method details are okay this is something new for you i know amortized cost method and the second one is fair value through profit or loss method